आदमपुर को हमने इसलिए चुना है कि आदमपुर परिवारवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। एक परिवार वहां पे सदियों तक राज करता रहा परंतु विकास नहीं करा। अब सीबीआई और ईडी का भय मुक्त करके वहां पे मित्रवाद बना दिया। जो परिवार लगातार काबिज होकर अपना परिवारवाद चला रहा था कि तो हमारे परिवार की सीट है, अब वो मित्रवाद के हवाले करके उनको भय मुक्त कर दिया गया कि अब आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, आप ऐसी जगह आ गए जहां पे आने के बाद सारे मुकदमे खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा नंबर वन बने, आदमपुर भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। देश के 130 करोड़ लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर पार्टी के लोग इस मुहिम के अंदर जुड़े और देश को नंबर वन बनाए। बीजेपी सत्ता के नशे को पूरा करने के लिए विधायकों को खरीद रही है। कांग्रेस देश के अंदर जीतती नहीं है, जीतती है तो बिक जाती है, और बीजेपी सत्ता के नशे में चूर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराने पे लगी हुई है। आपने मध्य प्रदेश के अंदर देखा, आपने गोवा के अंदर देखा, आपने मिजोरम के अंदर देखा, आपने मणिपुर के अंदर देखा, आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा, आपने अभी बिहार की कोशिश को देखा। सब जगह अब तक 277 विधायक बिक चुके हैं। अभी दिल्ली के अंदर भी इन्होंने कोशिश की थी, 20-20 करोड़ रुपए विधायकों को ऑफर किए थे। सब जगह इनका मॉडल एक ही है, ईडी को भेजते हैं, सीबीआई को भेजते हैं, डर दिखाते हैं, फिर कहते हैं साहब पैसा ले हमारे पास आ जाओ, दूध के धोए हो जाओ नहीं तो जेल के अंदर जाओ। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारों की टोली है। आज तक हमारे किसी विधायक को किसी को ये खरीद नहीं पाए। परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं, ये 20-20 करोड़ रुपए अगर 40 विधायकों को देते तो इतने करोड़ रुपए इन्होंने कहां रखे? अब तक 277 जो विधायक खरीद चुके हैं वो पैसा कहां से आया? अगर ये ईमानदार है तो उनके ऊपर ईडी की रेड क्यों नहीं कराते, सीबीआई की रेड क्यों नहीं कराते? ये सारे विचारणीय मुद्दे हैं। परंतु आज जरूरत है इस देश को इस मित्रवाद से निकले, इस परिवारवाद से निकले और आगे बढ़े राष्ट्रवाद। आधार आपने सरकारें बदलती हुई देखी, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बदली, गोवा में सरकार बदली, मणिपुर में सरकार बदली, मिजोरम में सरकार बदली, महाराष्ट्र में सरकार बदली। सुनिए, 100% खरीद के बदले। देखिए, परिवारवाद और मित्रवाद तो खत्म ही होना चाहिए। देश का संविधान ये कहता है राजा रंग फकीर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।